भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंथली वसूली प्रकरण के 9 आरोपी निलंबित थानाधिकारी को बुधवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को 23 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। जांच अधिकारी अर्जुन सिंह राजपुरोहित ने सभी आरोपियों के विरुद्ध तितंबा चार्जशीट भी पेश की। मंथली वसूली प्रकरण में गिरफ्तार तत्कालीन एसपी राजेश मीणा को दलाल रामदेव ठठेरा और तत्कालीन एएसपी लोकेश सोनवाल के जरिए रिश्वत देने वाले थानाधिकारियों को बुधवार सुबह जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्जुन सिंह राजपुरोहित ने गिरफ्तार कर लिया। एएसपी अर्जुन सिंह ने बताया कि सभी थानाधिकारियों को कई बार नोटिस देने के बावजूद भी वे पेश नहीं हो रहे थे। सभी को अंतिम नोटिस देकर एसीबी चौकी में पेश होने के आदेश दिए थे। सभी थानाधिकारी चौकी में पहुंचे, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर एसीबी के विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश फूलचंद झांझड़िया ने सभी को 23 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए। सभी आरोपियों के विरुद्ध तितंबा चार्जशीट भी पेश की गई। गिरफ्तार किए गए निलंबित थानाधिकारियों में कुशाल चौरड़िया, प्रमोद स्वामी, रविन्द्र यादव, खान मोहम्मद, हनुमान सिंह राठौर, जयपाल धारणिया, सुनील वैष्णोई, बंसीलाल चारणिया और गोपाल लाल शामिल हैं। जब सारे सीआईओ को कोर्ट में पेश किया तो न्यायालय द्वारा उनको 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश किए। चार सीआईओ की तरफ से जमानत की अर्जी पेश हुई है, एक जयपाल सिंह, हनुमान सिंह, खान मोहम्मद और हनुमान सिंह, इनकी तो जमानत की अर्जी पेश हुई है जो कल के लिए सुनवाई में रखी गई। हाँ, प्रमोद स्वामी जी की तरफ से अर्जी लगी है कि वो यहाँ पे सारे सीआई यहीं पे पदस्थापित थे, तो उनके द्वारा मुलजिमों को पकड़ा गया जो न्यायिक हिरासत में है, किसी को सजा भी हुई है, तो उनको दूसरी जेल में शिफ्ट करने के आदेश के लिए अर्जी लगाई। सहायक विशिष्ट लोक अभियोजक घनश्याम सिंह शक्तावत ने बताया कि आरोपी सुनील विश्नोई, खान मोहम्मद, जयपाल और हनुमान सिंह की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह सोनी ने जमानत याचिका भी लगाई। न्यायाधीश झांझड़िया ने सभी आरोपियों की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई के आदेश दिए। शक्तावत ने बताया कि कुशाल चौरड़िया के विरुद्ध सभी आरोपियों के अतिरिक्त अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं। चौरड़िया ने हेमंत जैन की जमीन के मामले में एफआईआर लगाने के लिए रिश्वत ली थी। माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी मुलजिमों को आज पेश किया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें जैसी भेजा गया है और साथ ही चार मुलजिम हैं, जो चार मुलजिमान हैं उनकी ओर से आज बेल की एप्लीकेशन लगाई गई है, जिसमें सुनील विश्नोई, खान मोहम्मद, जयपाल धारणिया और हनुमान सिंह के की तरफ से बेल की एप्लीकेशन लगी है, जिसे कल पे श्रीमान द्वारा तारीख नियत की गई है। साथ ही सभी जितने मुलजिमान हैं उनकी तरफ से एक बेल के एक एप्लीकेशन इस इंटेंशन की लगाई है कि जो सभी तत्कालीन जो सी आई थे वो अजमेर में तैनात थे और इनके तैनाती के दौरान कई मुलजिमान जो है जेसी में बंद है और खुखार अपराधी है, अगर इनको जेसी करके अगर वहाँ भेजा जाता है तो इनको जान माल का खतरा हो सकता है, इसलिए इनको अलग सेल में रखा जाए या इन्हें जयपुर भेजा जाए, इस तरह की एक एप्लीकेशन लगी है, वो भी माननीय न्यायालय के समक्ष कल पर तारीख रखी गई है। बेल एप्लीकेशन और अर्जी पर कल सुनवाई श्रीमान करेंगे। आरोपियों ने न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि सभी ने अपने कार्यकाल में के दौरान कई बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो कि अभी भी जेल में ही हैं। ऐसे में वह उनसे रंजिश रखते हैं, वे जेल में उनके साथ कोई भी हादसा कारित कर सकते हैं। उन्होंने न्यायाधीश से अलग बैरक में रखने या फिर जयपुर जेल में ट्रांसफर करने की मांग की है। इस प्रार्थना पत्र पर न्यायाधीश झांझड़िया ने कोई फैसला नहीं सुनाया। मंथली वसूली मामले में अब तक संजय शर्मा फरार चल रहा है, एसीबी उसके विरुद्ध भी जल्द ही कार्रवाई करेगी। इंस्पेक्टर जो एसपी तत्कालीन थे उन सबको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको जेसी रिमांड में भेजा गया है और इस प्रकरण की पूरक चार्जशीट सभी तथ्यों को समावेशित करते हुए आज माननीय न्यायालय में पेश की गई है और मुलजिमान को जेसी रिमांड 23/7/2014 तक का दिया गया है।